खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋचा सिंह और वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात करेंगे बजट के बाद राज्यसभा में मचे बवाल की। अखिलेश यादव को माफियाओं की आई याद की और बीजेपी में कम नहीं होती कलह की। इसके अलावा आज राजनीति में क्या हुआ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के ओपन चैलेंज के बाद हंगामा, स्पीकर से भिड़े टीएमसी सांसद। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के एक बयान पर हंगामा हो गया। अभिषेक बनर्जी ने बजट को जन विरोधी बताते हुए कहा कि दो सहयोगियों के लिए तैयार किया गया है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका, जिस पर टीएमसी सांसद स्पीकर से भिड़ गए। नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश, 18 यात्रियों की मौत। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान एक यात्री विमान क्रैश हो गया। इस प्लेन में 18 यात्री सवार थे। हादसे के बाद इनमें से 18 यात्रियों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में अदालत का बड़ा फैसला, पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस। राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ आया है। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। नीट के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रस्ताव पारित, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बाद चौथा राज्य। यूजी नीट 2024 के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है। ये प्रस्ताव परीक्षा में धांधली के खिलाफ लाया गया था। इसमें कहा गया है कि परीक्षा में धांधली हुई है। बंगाल सरकार चाहती है कि मेडिकल के लिए होने वाली इस परीक्षा से बंगाल को बाहर रखा जाए। शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 280 अंक टूटा, निफ्टी 24,450 फिसला। घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 280 अंकों की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं। सावन का महीना, दिल में भोले की भक्ति और जुबा पर हर हर महादेव। कुदरती चुनौतियों और आसमान से बरस रही आफत के बीच भगवान शिव के भक्त देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है और इससे पहले ही हर शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने जिलों के लिए निकलना चाहता है। वहीं पहाड़ों की चुनौतियों के बीच खाकी वाले शिव भक्तों के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर जिंदगियां बचा रहे हैं, कैसे ये देखिए। दरअसल शिव भक्तों की भीड़ से भरे हरिद्वार में एक दिन पहले कांगड़ा घाट पर एक कांवड़िया गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। इस दौरान घाट पर उत्तराखंड पुलिस के गोताखोर सन्नी कुमार और एसडीआरएफ के जवान शुभम और आसिफ मौजूद थे। इन तीनों ने जैसे ही कांवड़िये को गंगा में बहते देखा, तुरंत छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद उसे मौत के मुंह से बचा लाए। कुल मिलाकर सावन के महापर्व पर चाहे आसिफ हो या शुभम, उत्तराखंड पुलिस के इन जवानों का मकसद बस एक ही है, शिव भक्तों को सुरक्षित रखना। जहां एक और कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू मुस्लिम की जंग जारी है, वहीं ये जवान इंसानियत की अलग ही मिसाल कायम कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास खबरों की ओर। बजट आया और हंगामा लाया, ये कहावत तो जैसे पुरानी हो गई है। हर बार जब बजट आता है तो विपक्षी पार्टियां अचानक से सुपर एक्टिव हो जाती हैं, अचानक से आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी वही हुआ, लेकिन इस बार के आम बजट को पिछले बजटों के मुताबिक ज्यादा राहत वाला करार दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने तो इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट नाम दे दिया है और इसी आधार पर पूरा विपक्ष जुटा हुआ है।
सत्ता पक्ष को नीचा दिखानी भी अब विपक्ष को बजट से खास मुद्दा नहीं मिला जिस पर वो सरकार को घेरती, इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों को इस बार अनदेखा कर दिया गया है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश की पार्टियां एनडीए में सहयोगी हैं। अब इस बात पर आज राज्यसभा में हंगामा हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। हर साल जब बजट आता है तो अपने साथ हंगामा लेकर आता है। आज आम बजट को लेकर संसद में जोरदार हंगामा देखा गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया। खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा, इस बजट में ना तमिलनाडु को कुछ मिला, ना कर्नाटक, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना उड़ीसा को कुछ मिला। किसी को खुश करने के लिए ये बजट है। खड़गे ने क्या कहा पहले तो वो सुनिए। कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं, मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। वहीं जैसे ही खड़गे ने आरोप लगाया वैसे ही इस आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भड़क गयी और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाषणों में सभी राज्यों का नाम लिया था। निर्मला सीतारमण बोली, हर बजट में आपको देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कैसे खड़गे को जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हैज बीन इन पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस कंट्री, दे प्रेजेंटेड सो मेनी डिफरेंट बजट्स एंड दे वुड नो क्लियरली that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between what on account which was presented on 1st February this year and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between what on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadhavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? And I can take the name of so many other different states where we have major projects, one. And second, if the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the Government of India, the programs of Government of India,
the externally aided assistance which we obtained from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states. They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to two states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation. And now that they've come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal. Thank you. Even the schemes, Chairman, sir, you should allow me to say this. Even the schemes which nothing have been will allocated go on recorded, to no Bengal. Shout. Mr. Saket, sir, don't you lie. Asked me to speak. No, please don't shout. Don't you shout, don't me shout. To speak. This is not a shouting place. Is it a shouting place? देखा जाए तो इस बार शायद अनदेखा किए जाने की शिकायत यूपी को भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि इस बजट में यूपी को भी कुछ खास नहीं मिला। दरअसल यूपी में भाजपा 2014 में 71 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीती थी। इसका असर पिछले 10 साल के आम बजट में दिखता रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 33 सीटों पर सिमटी और इसका प्रभाव इस बार के बजट पर भी दिख रहा है। इस बार यूपी के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। आम बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला, हालांकि यूपी को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। देखा जाए तो बजट पर हंगामा होना तो तय था, मगर एक बात जरूर है कि विपक्ष भले बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दे, मगर वाकई कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम के बाद अचानक से बजट में पहली बार ज्यादा राहत लाना कहीं ना कहीं डर की वजह को उजागर जरूर कर रहा है। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। यूपी में सियासी बयानबाजियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी के धरने में पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल लोगों को डरा रहा है। इस दौरान अखिलेश ने बिना अतीक अहमद का नाम लिए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों पर जानलेवा हमला करना स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को अचानक से अतीक अहमद की याद कैसे आ गई। देखिए ये रिपोर्ट। 15 अप्रैल 2023, ये वो दिन था जब यूपी में रहने वाले और यूपी को काबू में रखने का सपना देखने वाले माफियाओं के लिए काला दिन था। ये वो दिन था जिस दिन यूपी से माफियाओं ने अपने बस्ते तैयार कर बाहर निकल जाने का प्लान बना लिया था। ये वो दिन था जब माफियाओं को पता चल चुका था कि अब चाहे कुछ हो जाए वो यूपी में आतंक नहीं फैला पाएंगे और अवैध काम और क्राइम दोनों नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये वो दिन था जब प्रयागराज में मीडिया के लाइव कैमरों के सामने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर तीन लोगों ने मार डाला था, जिसके बाद यूपी के माफिया यूपी छोड़ या यूं कहें कि देश छोड़ फरार हो चले थे। आज तक अतीक गैंग के बाकी लोगों का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि वो इस देश में बुलडोजर राजनीति से कांप चुके थे। अब अतीक अहमद की मौत को साल भर से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको याद करने वाले सियासतदारों की कमी नहीं है, जैसे कि सपा मुखिया अखिलेश यादव। जी हाँ, इतना समय बीत जाने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुलेआम योगी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को संसद में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा, हमने यूपी में फेक एनकाउंटर देखा है, देश और दुनिया वालों ने कभी लाइव एनकाउंटर नहीं देखा होगा। देश के एक बड़े चैनल पर लाइव किसी की जान ले ली गई। वो शख्स पुलिस कस्टडी में था। माना जाता है कि पुलिस की कस्टडी में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लोग सरकार में हैं,
उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों के सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है, जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना, और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। ये जरूर नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहें और कल जगन मुख्यमंत्री न बन जाएं। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इन सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े, डर के ना जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं। और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। किसी की जान ले रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये तो यूपी में भी हमने देखा है। और मैं उस तकलीफ, उस परेशानी को महसूस कर सकता हूं कि यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने, एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा, और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये हम मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि जिस तरीके से इनके वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है, हमने अपने बहुत गरीब वर्कर्स को देखा है उत्तर प्रदेश में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी हम तीन लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके, पर भाईचारा हो, स्वस्थ राजनीति हो। आप देखिए अभी कावड़ को लेकर के क्या किया था सरकार ने, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। जनता स्वीकार नहीं कर रही है, जनता वायलेंस को पसंद नहीं कर सकती, जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि एक दूसरे की जान ले कोई। देखा जाए तो यूपी में बीजेपी सरकार के 7 सालों में सैकड़ों अपराधियों के घर बुलडोजर से ढाए जा चुके हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कराने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो जहां बुलडोजर नीति पर काम कर रहे सीएम योगी ने तहलका मचा दिया, जिसका असर विधानसभा चुनाव 2022 में दिखा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद विपक्ष ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए अखिलेश यादव एक बार फिर पुराने मुद्दों को उखाड़ कर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल अब वक्त है आगे बढ़ने का और रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जिसका पूरा फायदा विपक्ष उठा रहा है। वहीं इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इसके बाद कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। आपको बता दें कि दावा यहां तक किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी बीजेपी की लड़ाई नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ रही है। मुश्किल ये है कि आगे खतरे का निशान भी है, और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जो भी समझा बुझा कर दिल्ली से लखनऊ भेजा हो, लेकिन लगता नहीं है कि आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोई कोशिश हुई हो या फिर पानी डालने का कोई भी असर हो रहा हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की तकरार तेज ही होती जा रही है।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां भी गुटबाजी हावी नजर आ रही है। और ये गुटबाजी सिर्फ पार्टी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असर तो सहयोगी दलों पर भी हो रहा है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। इसी को लेकर विपक्ष ने तंज कसने में देर नहीं लगाई और समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। सपा नेता ने एक्स पर लिखा, श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में कर ही लिया है, इसलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दो दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। बता दें कि सपा नेता आईपी सिंह ने इससे पहले दावा किया था कि दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ मालदार विभाग चाहिए, इसलिए बीजेपी में आपसी मारामारी मची हुई है। उन्होंने कहा कि राजभर को अमित शाह से पैरवी करके पंचायती राज मिल गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा पीडब्ल्यूडी चाहिए, इसे सीएम नहीं दे रहे हैं। जाहिर है केशव मौर्य ने पिछले दिनों दिल्ली जाकर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद कई तरह की अटकलों को हवा भी मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझाने की कोशिशें तो आरएसएस की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर कहीं से भी नजर नहीं आया। ऐसे में अब तो यही लगता है कि ये झगड़ा उपचुनाव में भारी पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये नई और बड़ी चुनौती है। अब होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन उसके अलावा आदेश दुनिया में और क्या हुआ खास वो भी आपको बता देते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन कंपनी सौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग सवार थे और 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। वहीं उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र में 2 पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग की। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। वहीं यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में बुधवार सुबह फायरिंग हुई। हमलावरों ने 2 कर्मचारियों पर गोलियां बरसाई, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें कैंपस के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इन खबरों के साथ मुझे दें इजाजत, जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। राजनीति की बात करें तो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सीएम योगी का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के अस्तित्व पर भी आज का सवाल है, क्योंकि अभी 7 राज्यों के 13 उपचुनाव में से भाजपा महज 2 जीत पाई। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन खराब रहा है, ऐसे में इन चुनाव के नतीजे योगी आदित्यनाथ की तकदीर का भी फैसला कर सकते हैं। घुटी लड़ाई में मोदी शाह उन्हें किनारा लगा देंगे या वो और ताकतवर बनकर उभरेंगे, आरएसएस के सहयोग से दिल्ली सत्ता के चैलेंजर बन जाएंगे। जाहिर है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर आगामी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा यूपी के अगले विधानसभा चुनाव तक जा सकता है। बहरहाल उपचुनाव में सभी दलों की परीक्षा होगी। सीएम योगी इस समय एक बहुत ही असुरक्षित विकेट पर हैं। वे दोहरी रणनीति पर अमल कर रहे हैं, एक ओर कांवड़ मार्ग पर आदेश आदि के माध्यम से ध्रुवीकरण की आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, दूसरी ओर हिंदुओं को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में रिवर फ्रंट के नाम पर अकबर नगर के सैकड़ों निवासी बुलडोजर लगाकर उजाड़ दिए गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे, लेकिन जन आंदोलन के दबाव में योगी के बुलडोजर पंतनगर इंद्रप्रस्थ नगर की कॉलोनियों में थम गए, जहां अधिकांशतः हिंदू आबादी थी। और योगी ने समान स्थिति होने के बावजूद ऐलान कर दिया कि उन्हें उजाड़ने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में ये उपचुनाव सीएम योगी के भविष्य का फैसला करेंगे। अगर वो जीतते हैं तो कमाल हो जाएगा, और अगर हारते हैं तो उनका भविष्य संकट में पड़ सकता है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत आज के सुविचार के साथ। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए,
अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, जो कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ आगे बढ़ना है।